I think most of the political parties, most of them believe that education से उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है. ना वो शिक्षित हुआ, ना उसका recruitment ठीक से हुआ, फिर आके पढ़ाएगा क्या? सबसे बड़ा माफिया इस देश में education का है, B.Ed और D.Ed colleges का. I think the easiest thing on earth is to tell somebody else what he has to do. Coal sector में तो mining नीचे थी, जमीन के नीचे, और माफिया ऊपर हुआ करते थे. Education में उल्टा है, सब माफिया underground है. दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, जमी में दब गए जो इमारत उन्हीं पे कायम है. मेरा स्वयं का जीवन शिक्षा सचिव के रूप में बड़ा विचित्र परिस्थितियों में आरंभ हुआ. आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू बिकम स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी बिकॉज आई हैड नो एक्सपीरियंस इन दिस एजुकेशन सेक्टर व्हाटसोएवर. मैं तो कोल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा था और वहाँ के कोल माफिया से कुछ झगड़ा वगड़ा कर रहा था. ऊपर वाले का कुछ अनुकंपा थी, कुछ उनका वरदहस्त था मेरे ऊपर, जिसकी वजह से कोल की समस्या हम लोगों ने कुछ सॉल्व कर ली. क्योंकि जब मैं कोल सेक्टर में मेरी पोस्टिंग हुई थी तो मुझे बहुत आइडिया नहीं था कोल सेक्टर के बारे में. तो मैंने एक अपने दोस्त को, अपने मित्र को फ़ोन किया, पूछा यार कोल सेक्टर कैसा है. तो उसने प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, मुझसे एक प्रश्न कर डाला. उसने पूछा गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? तो मुझे समझ में आ गया कोल सेक्टर कैसा है. खैर, जैसे मैंने बताया, बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड and because of the support that I got from my officers, coal sector was sorted out. But then I got posted to education secretary. यहाँ पे एक महीने बाद किसी ने मुझसे पूछा यार कैसा लग रहा है आपको coal sector? तो मैंने कहा यार कैसा लग रहा है education sector? मैंने कहा यार coal sector में तो mining नीचे थी, जमीन के नीचे, और माफिया ऊपर हुआ करते थे. Education में उल्टा है, सब माफिया underground है. और इतने माफिया हैं कि पूछिए मत. धीरे धीरे मुझे जानकारी हुई इन माफियाओं की. तो सबसे बड़ा माफिया पहला जो मैंने पाया, सबसे बड़ा माफिया इस देश में एजुकेशन का है, B.Ed और D.Ed कॉलेजेस का. मेरी जानकारी में आया 16,000 हैं लगभग, जिसमें 4,000 ऐसे हैं जो है ही नहीं, लेकिन आपको डिग्री भी दे सकते हैं और आप अच्छा पैसा देते हैं, नौकरी भी दे देंगे. अब सोचिए वो शिक्षक सरकारी सेवा में जाके क्या पढ़ाएगा. तो सबसे बड़ा माफिया था. दूसरा माफिया था कि शिक्षकों का जो चयन होता था, दी सिलेक्शन ऑफ टीचर्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स, आप सब जानकार हैं कि एक 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 राज्य के चीफ मिनिस्टर इज बिहाइंड द बार्स, जेल में है इस पूरे रैकेट में रिक्रूटमेंट. तो देखिए, ना वो शिक्षित हुआ, ना उसका रिक्रूटमेंट ठीक से हुआ, फिर आगे पढ़ाएगा क्या? और फिर जब आ जाता था तो उसकी ट्रेनिंग क्या होनी है, इस पर भी कोई विचार मेरे विचार से ज़्यादा नहीं था. इसका मैं दोष नहीं देना चाहता किसी को, क्योंकि व्यवस्था हमारी ऐसी है जहाँ राजनैतिक दृष्टिकोण से, यानी फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, मोस्ट ऑफ देम बिलीव दैट एजुकेशन से उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है. सिर्फ जब इलेक्शन होता है तो उसमें जो टीचर की ड्यूटी लगती है वहाँ तक तो मतलब है. बच्चा पढ़ेगा, इसका तो रिजल्ट 10 साल 15 साल 20 साल बाद आएगा, उनको तो राजनीति अगले दिन करनी है. लेकिन अच्छी खबर यह है कि इधर कुछ दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ कि कई मुख्यमंत्री इस बात पे बल दे रहे हैं कि शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बल ही नहीं दे रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सो द फोकस हैज नाउ ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, व्हिच प्रोबेबली एज एन एक्स सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन इज द बेस्ट न्यूज दैट आई हैव हर्ड ऑफ एंड आई हैव स्पोकन अबाउट इट ऑल्सो. और मुझे आशा है कि कई इस ओर बढ़ेंगे और इसको करेंगे. लेकिन ये तो अपनी जगह पर है, मैं यहाँ खड़े होकर ये बात कर सकता हूँ कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई मुझसे भी पूछ सकता है आप सचिव थे आपने क्या कर लिया, मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा. दूसरे को क्या करना उसकी चर्चा मैं आज नहीं करूंगा. आई विल टॉक अबाउट व्हाट यू एंड आई शुड डू. पीपल सिटिंग इन दिस रूम, द फोकस हैज टू बी ऑफ व्हाट यू एंड आई कैन डू. आई थिंक द इजिएस्ट थिंग ऑन अर्थ इज टू टेल समबडी एल्स व्हाट ही हैज टू डू, दूसरे को बता दीजिए ये करिए. नहीं, हम आज ये चर्चा करेंगे और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5-7 मिनट इस बात पे बोलूंगा कि मैं, आप, हम मिलके क्या कर सकते हैं. पहला इसमें बिंदु ये आता है कि वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड दिस इज एड्रेस टू ऑल ऑफ यू, कि जो बीता हुआ कल है वो गुजर गया है, उसके बारे में अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो आज के बारे में आप काम नहीं कर पाएंगे, आज काम नहीं कर पाएंगे. The past is dead and gone. हम लोग क्यों बार बार उसको उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया. हम आज की क्यों नहीं सोचते, आज और इस समय पर हमारा नियंत्रण है.
इस मोमेंट पे हमारा नियंत्रण है, इसके बारे में ना सोच के हम ये सोचते हैं अरे उसने ऐसा मुझसे क्यों कहा था, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने आप उसका कोई यहां ऐसा व्यक्ति बैठा है, इज देयर एनीबॉडी सिटिंग इन दिस रूम हु कैन चेंज हिज पास्ट? नो वन कैन चेंज हिज पास्ट. पास्ट हैज हैपेंड एंड इट डेड एंड गॉन, येट वी स्पेंड सो मच टाइम. इट इज नॉट ओनली पॉलिटिशियन, एज इंडिविजुअल्स वी स्पेंड सो मच टाइम ब्रूडिंग ओवर द पास्ट. अगर पास्ट का कोई महत्व है तो सिर्फ इतना महत्व है कि आप उससे कुछ सीख सके. यू कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट बट डोंट लिव इन द पास्ट. देयर इज अ डिफरेंस. इफ यू स्टार्ट लिविंग इन द पास्ट देयर इज ट्रबल. आज की तारीख में भी मैं देख रहा हूं कई लोग पास्ट को खोदे चले जा रहे हैं. कब तक खोदेंगे पता नहीं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक खोद डालेंगे. कब तक जाएंगे हम पीछा, कितना पीछे जाएंगे? आपको सीखना है, आपको हिस्ट्री समझनी है, वो सब ठीक है, लेकिन आप वहां रह नहीं सकते. हमारी मानसिकता अगर हमारा थिंकिंग पास्ट में ही चिपका रहेगा तो हम आगे की कभी नहीं सोच पाएंगे. फ्यूचर का हमें पता नहीं, फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता है. तो है किसका पता? आज का पता है, इस समय का पता है, जो समय हमारे पास है उसका पता है. क्या हम इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं? आर वी मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द मोमेंट्स दैट वी आर इन? Are we enjoying the moments that we are in? If we can do that, our future will be built. I can tell you with that my experience. Focus on the present. Dusra, hum dusron ke bare mein kyun itni chinta karte hain? Apni sab samasya ka hum theek honi par phodte hain. Inki wajah se ho raha hai, hai na? Umr bhar yahi bhool karta raha ghalib, dhool chehre pe thi aaina malta raha. Lagaye rahiye apni kami na dekh kar. ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा यह स्पष्ट मानना है, मैं तो सचिव रहा हूं दो विभागों का, जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहा हूं, लेकिन मैं इस निष्कर्ष पे बहुत जल्दी पहुंच गया. मैं दूसरे का ना कुछ बना सकता हूं ना बिगाड़ सकता हूं. ये हमारी अपना भ्रम है. इट इज आर ओन मिसअंडरस्टैंडिंग, आर ओन डिल्यूजन दैट वील चेंज अदर्स. वी कैन नॉट, वी शुड नॉट. हम अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना कर सकते हैं. आईना मल के ना करके हम अपनी शक्ल सूरत ठीक कर सकते हैं. हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो दूसरा बिंदु यह है कि हम दूसरे की चिंता छोड़ दें, सिर्फ अपनी चिंता करके जो अपनी आंतरिक से आपका दिल जो कहे उसको कीजिए. अगर आप यह करेंगे, पास्ट को बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं होंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो निश्चित से आगे का मार्ग प्रशस्त होगा. बहुत महत्वपूर्ण. तीसरा जो पहले दो से लिंक्ड है कि हम इस देश में रहते हैं जहां पर हमारा यह मानना है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म पे जो हम कर रहे हैं उस पे तो हमारा नियंत्रण है, फल पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है. लेकिन हम इस पे इसको बिलीव नहीं करते. हम हर जना लगा रहता है कि रिजल्ट क्या आएगा, और उसमें मैं बच्चों को दोषारोपित नहीं करता. आई थिंक इट इज आवर एग्जामिनेशन सिस्टम विच इज एट फॉल्ट, वेयर देयर इज अ क्रेविंग फॉर गुड मार्क्स. हर आदमी रिजल्ट के लिए लगा रहता है. मैं अपना जीवन को सोचता हूं कि आज की तारीख में कोई मुझसे नहीं पूछता कि क्लास 5 में क्या हुआ था आपका, क्लास 6 में क्या हुआ था, क्लास 7. लेकिन जब मैं 5, 6, 7, 8 में था तो जिस साल में फर्स्ट नहीं आता था क्लास में, मेरा जीवन दुभर हो जाता था. मैं इतना परेशान हो जाता था. लेकिन आज की तारीख में उसको मतलब ही नहीं है कोई. देखिए समस्या क्या है, हमने इस जीवन में कॉम्पिटिशन को इतना महत्व दे दिया है, इतना महत्व दे दिया कि हम दूसरे की टांग खींच के चाहे ऊपर चढ़ जाएं, लेकिन कंपटीशन है. ये हम भूल जाते हैं कि हर बच्चा, हर व्यक्ति अलग है, विशेष है. उसका दूसरे से कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है. अगर कंपटीशन है उसका तो अपने आप से है, दूसरे से तो उसको सीखना है. और मेरा ये मानना है कि आप दूसरे से सीख नहीं सकते अगर आप उससे कॉम्पीट करेंगे. क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉपी छुपा लेगा, आप कॉम्पीट कर रहे हैं ना उसके साथ. वो आपको पढ़ाएगा नहीं, सिखाएगी. आप सीखेंगे तभी उससे जब आप उसके साथ मिलकर सीखना चाहेंगे, उससे कॉम्पीट नहीं करना चाहेंगे. आज की तारीख में हर जगह इतना कॉम्पिटिशन, और हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कॉम्पिटिशन, जितना कॉम्पिटिशन हो जाए अच्छा. और चौथा बिंदु मैं ये बताना चाहूंगा कि हम अगर अपना समय उन चीजों पर लगाएं जिसपे हमारा नियंत्रण है. हम ऐसी ऐसी चीजों के लिए, बड़ी बड़ी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं जिसका हम कुछ कर नहीं सकते. रातों की नींद हराम कर लेते हैं. मुझे याद है एक क्रिकेट मैच में, मैं क्रिकेट का शौकीन हूं, इंडिया हार गई थी, दो मित्रों में लड़ाई हो रही थी कि अगर धोनी ये शॉट नहीं खेलता तो इंडिया जीत जाता. एक दूसरा कॉलर पकड़े हुए थे. हमने कहा यार तुम्हारे कॉलर पकड़ने से क्या उसका शॉट बदल जाएगा या कुछ चेंज हो जाएगा? लेकिन हम करेंगे. अब मुझे तो, मुझे सीख मिली, मुझे
बड़ा आप लोग भी जब हैवी ट्रैफिक होता होगा तो कार कहीं फंस गई तो बड़ा खून खोलता कई लोगों का ना कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मेरा भी बड़ा खून खोलता था जब ट्रैफिक में फंसता था। एक दिन मैं पत्नी जी के साथ जा रहा था तो हमसे पूछती है, मैं उस दिन बड़ा परेशान थी कहाँ ट्रैफिक और ये लोग करते नहीं कुछ, तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम कर सकते हो इसका कुछ? हमने कहा कर तो नहीं सकते, अगर कुछ कर नहीं सकते खून क्यों खोला रहे हो अपना। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है, जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए, जो नहीं कर सकते हैं उस पर समय जाया ना कीजिए। हमारा ज्यादा समय उन चीजों पर जाता है कि अमेरिका ने इराक पर युद्ध क्यों कर दिया, वो ठीक है चर्चा होनी चाहिए, चर्चा में मुझे चिंता नहीं है, लेकिन आप समय कहां लगा रहे हैं। बच्चों को तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कभी इस बात से बिल्कुल परेशान ना होना कि कोई गलती हो गई, इंसान से गलती होती है, अगर गलती नहीं है तो इंसान ही नहीं है, वो हम सब इंसान है। गलती से सीखिए, दोबारा मत कीजिए उस गलती को। दूसरा, अपने फेलियर्स जो आपके जिसमें आप सक्सीड नहीं किए हैं, फेलियर्स भी नेचुरल है। हर व्यक्ति, हर महान व्यक्ति, चाहे वो महात्मा गांधी हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति रहा हो, हर व्यक्ति फेल हुआ है किसी ना किसी समय। सक्सीड वही करता है व्यक्ति जो सीखे, और अंततः आप सक्सीड तब करेंगे अगर आप थके ना। समय रुका नहीं, हम क्यों ठहर गए, अभी तो हम चले भी नहीं, फिर क्यों थक गए। उठो पथिक, पथिक इज अ ट्रैवलर, उठो पथिक मत भ्रमित हो, भ्रमित इज डाउट, उठो पथिक मत भ्रमित हो, दू मिल अंधियारे में, श्रेष्ठ वही जो घिरा नहीं हो क्षणिक निराशा में। जागो जगाओ, जनमत मन मत बहलाओ, एक मसीहा तुम भी बन जाओ। जय हिंद।